इलेक्शन नहीं है, ये फौजी ऑपरेशन है, ये जमहूरियत की असमत दरी जिसमें लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उनको ये हक नहीं है कि वो लोगों को कहे कि आप इन नाम निहाद इलेक्शनों से दूर रहे, जो कि उनका एक जमहूरी हक है। इसलिए मेरी भी गिरफ्तारी हुई। जब मैंने इनसे पूछा गिरफ्तार क्यों, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के सिलसिले में, इलेक्शन तक आप लोग गिरफ्तार हैं। इसलिए इस तरह का मजहमती क्यादत ने ऑलरेडी सैयद अली शाह गीलानी साहब, मीरवाइज उमर फारूक साहब, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और इससे वाबस्ता जितनी भी तहरीकी तंजीमें हैं, उन्होंने मुकम्मल इलेक्शन बायकॉट की कॉल दी है। मेरी लोगों से अपील है कि वो इन नाम निहाद इलेक्शन से दूर रहे और इलेक्शन प्रोसेस को मुकम्मल कामयाब बनाए, क्योंकि यही इलेक्शन हमारे ऊपर जो मजालिम है, जो जुल्म है, वो इन्हीं इलेक्शन के नतीजे में हो रहा है। क्योंकि इलेक्शन हिंदुस्तान दुनिया के कोने कोने में इसी इलेक्शन को भेजता है। यहाँ जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, वो सिर्फ उन लोगों की जमानत फराहम कर रहे हैं जो पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र से आए हैं और हमारे गाँव में, शहरों में, बस्तियों में उन्होंने फौजी कैंप लगाए हैं। और आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से जुल्म, जबर, कत्ल, गारत गरी का नाच गाना चल रहा है यहाँ पर। इसलिए इलेक्शन में वोट देना वो इसी फौजी ऑपरेशन की वकालत हो रही है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से अपील है कि वो इन इलेक्शनों से दूर रहे। बाकी जेल, कत्ल, गारत, शहीद करना, इससे इस कौम के हौसले नहीं टूटेंगे, बल्कि जेल जाना हमारे लिए ये दूसरा घर है। और जेल जाने से हमारे हौसले टूटते नहीं है, बल्कि हमारे हौसले और बढ़ जाते हैं। Boycott.